भाई देखने को मिल गया बेबी जेट। हाँ दोस्तों, ऐशुमा गियान ने अपना पहला गोल लगाया इंडिया में नॉर्थ एफसी की तरफ से खेलते हुए, और दूसरी तरफ दोस्तों उड़ीसा एफसी का हाल बहुत ही पतला हो चुका है। चलिए इस मैच का हम रिव्यू कर लेते हैं। तो आईएसएल सीजन 6 मैच नंबर 7 नॉर्थ यूनाइटेड एफसी वर्सेस ओडिशा एफसी, इस मैच पे दो गोल लगाकर नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ने एक जबरदस्त जीत हासिल किया और अपने होम क्राउड के सामने अपने होम ग्राउंड पर 3 पॉइंट लेकर पॉइंट टेबल में और ऊपर चला गया। तो चलिए आप बढ़ते हैं मैच स्टडी की तरफ। तो दोस्तों मैच शुरू होते ही नॉर्थ यूनाइटेड एफसी हाई प्रेस करने लग गया था और दोस्तों 2 मिनट के अंदर उनको एक गोल मिल गया। गोल लगा था दोस्तों रिडीम तलांग ने और असिस्ट किया था दोस्तों, जो कि शानदार असिस्ट था दोस्तों ट्रियाडिस के तरफ से, और दोस्तों 1-0 से बढ़त ले लिया 2 मिनट के अंदर नॉर्थ यूनाइटेड एफसी ओडिशा एफसी के खिलाफ। और इसके बाद भी दोस्तों नॉर्थ यूनाइटेड एफसी लगातार हाई प्रेस कर रहा था फर्स्ट हाफ में ही, और बहुत ही डीप डिफेंस करना पड़ रहा था ओडिशा एफसी को। लेकिन दोस्तों ओडिशा एफसी धीरे धीरे अपना काउंटर अटैक शुरू कर दिया था, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था फर्स्ट हाफ में, वो ज़्यादातर काउंटर अटैक में जाकर जिसको और संतरा का जो जोड़ी दोस्तों हम लोग आज देखे बहुत ही शानदार था। बहुत सारा चांस क्रिएट किया लेकिन दोस्तों चांस वो भुना नहीं पाया। दूसरी तरफ दोस्तों सुभाषिस रॉय ने दो दो जबरदस्त सेव किया था और जिसके चलते दोस्तों नॉर्थ यूनाइटेड एफसी बाल बाल बच गया गोल खाने से। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छा चांस मिला था नंद कुमार को, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो चूक करा और गोल नहीं मार पाया। बहुत ही अच्छा और शानदार एक मौका था ओडिशा एफसी को गोल लगाने के और दोस्तों इक्वलाइजर लेने के, लेकिन दोस्तों नहीं कर पाया और इससे ही दोस्तों 1-0 से फर्स्ट हाफ खत्म हुआ। और इसके बाद दोस्तों सेकंड हाफ शुरू होते ही ओडिशा एफसी ने अपने टीम में थोड़ा बहुत बदलाव किया, अपने प्लान में बदलाव किया और दोस्तों दयागने को अंदर भेजा, और दयागने आते ही दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से टीम को मेंटेन किया और बहुत ही अच्छी तरीके से बॉल पोजीशन और रख रहा था, जिसके चलते दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा उनका चांस क्रिएट हो रहा था और ओडिशा एफसी थोड़ा बहुत तो हावी लग रहा था नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के ऊपर सेकंड हाफ में कुछ टाइम। तो दोस्तों इसी टाइम में दोस्तों उनका चांस ज़्यादातर बन रहा था, उनको मौका मिल रहा था लेकिन दोस्तों मौके को भुना नहीं पा रहा था। और उसके बाद भी दोस्तों लगातार कोशिश कर रहा था, अटैक बना रहा था और वैसे ही करते करते दोस्तों 71 मिनट पे एक मौका बना और दोस्तों जिसको हर्नांडेज ने एक शानदार गोल लगा दिया नॉर्थ यूनाइटेड एफसी को, जिसके चलते दोस्तों यहां पर इक्वलाइजर आ गया इस मैच पे और मैच बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों। अब बराबरी का मुकाबला हो रहा था दोनों टीमों के बीच और इस इक्वलाइजर के बाद ही दोस्तों ओडिशा एफसी को एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया, उनका मेन खिलाड़ी देलकरो को मिल गया दोस्तों रेड कार्ड, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमिलियानो के साथ एक टैकल हुआ था जो कि दोस्तों बहुत ही खतरनाक टैकल था, जिसके चलते दोस्तों उनका पैर जो देलगारो का पैर था वो मैक्सिमिलियानो को मुंह पर लग गया। और दोस्तों यहां पर वो इंटेंशनली नहीं था लेकिन ज़्यादा यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए तो एक रेफरी को अच्छा पॉइंट सोचना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि दोस्तों इंटेंशन नहीं था लेकिन फिर भी दोस्तों अगर देखा जाए तो एक रेड कार्ड बनता है, अगर वो चाहता तो रेड कार्ड वहां पर नहीं भी दिखा सकता। ये दोस्तों एक कंट्रोवर्सी का चीज़ है लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है कि अगर रेफरी के नज़र से देखा जाए तो रेड कार्ड था, और हम फैनों के अगर कुछ इमोशन की बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर रेड कार्ड देना नहीं चाहिए था। तो दोस्तों एक कंट्रोवर्सी का चीज़ रहेगा लेकिन दोस्तों उसके बाद नॉर्थ यूनाइटेड एफसी बहुत ही अच्छी तरीके से कमबैक किया और वो भी अब लगातार कोशिश कर रहा था कि एक और गोल हम दाग दे तो इस मैच को हम जीत सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही करते करते हमें देखने को मिल गया बेबी जेट, क्योंकि दोस्तों ऐशुमा गियान ने एक शानदार हेड देकर गोल लगा दिया और खुशी से पूरा स्टेडियम झूम रहा था, नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का फैन डांस कर रहा था, क्योंकि दोस्तों ऐशुमा गियान इंडिया में पहली बार एक गोल लगाया है, जो कि दोस्तों स्टार खिलाड़ी है, वर्ल्ड कप में गोल लगाया है ऐसा खिलाड़ी, दोस्तों इस बार गोल लगा दिया नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के लिए और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा नॉर्थ यूनाइटेड एफसी का इस मैच पे, और अपने होम मैच से वो 3 पॉइंट हासिल कर लिया। दूसरी तरफ दोस्तों ओडिशा एफसी का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा खराब नहीं था, उनका बैड लक कहे या उनका खराब परफॉर्मेंस कहे मैं आपको क्या बताऊँ, मैं तो यहाँ पर बैड लक के ऊपर ही जाऊँगा, क्योंकि दोस्तों उनका ज़्यादा एडवांटेज इस मैच पे नहीं बन रहा था और इसीलिए दोस्तों उनको इस मैच को हारना पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मैच पे वो अच्छा परफॉर्म करेगा, उनको अभी भी 2 अवे मैच खेलने वाला है वो, और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वो अपना जाएगा होम मैच पर, अभी भी उनको 2 अवे मैच खेलना बाकी है। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा और राफ सा मैच स्टोरी। आप अगर चाहो तो मैच का हाईलाइट हॉटस्टार और अभी तो यूट्यूब पर भी आ रहा है, आईएसएल का जो ऑफिशियल चैनल है उस चैनल पर भी आपको हाईलाइट मिल जाएगा, आप जाकर हाईलाइट को देख सकते हो, आप बहुत ही इंजॉय करोगे इस मैच को देखकर। अब चलिए हम बढ़ते हैं टॉकिंग पॉइंट के ऊपर।
तो दोस्तों हमारा पहला टॉकिंग पॉइंट यहाँ पर ट्रियाडिस रहेगा, क्योंकि दोस्तों ट्रियाडिस बहुत ही जुझारूपन दिखा रहा था फर्स्ट हाफ में और बहुत ही एक अच्छा एसिस किया था, जिसके चलते दोस्तों 2 मिनट के अंदर अंदर नॉर्थ यूनाइटेड एफ सी ने लीड ले लिया था। और दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ यूनाइटेड एफ सी के पूरा टीम का ही परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। काई हेरिंग्स दोस्तों यहाँ पर एक नाम लेना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड कर रहा था, हर कोशिश को नाकाम कर रहा था ओडिशा एफ सी का। और दोस्तों बहुत ही शानदार एक खिलाड़ी नॉर्थ यूनाइटेड एफ सी को मिल चुका है काई हेरिंग्स के रूप में। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर और 2 खिलाड़ी का नाम लेना पड़ेगा, एक है दोस्तों भाज और दूसरा है दोस्तों राकेश प्रधान। ये दोनों खिलाड़ी भी इस मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाए अपने टीम से। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर ओडिशा एफ सी के टॉकिंग पॉइंट की बात किया जाए, तो दोस्तों आज मुझे लग रहा था कि जिसको हर्नांडेज बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहा था, जो कि हमें फास्ट मैच पे देखने को नहीं मिला था। साथ साथ दोस्तों डेलगाडो को जो रेड कार्ड मिला, वो भी दोस्तों एक टॉकिंग पॉइंट है, कंट्रोवर्सी का चीज़ है। मुझे लग रहा था कि बहुत ही हार्श रेड कार्ड था, वहाँ पर देना नहीं चाहिए था। साथ साथ दोस्तों एक और खिलाड़ी जो एक गुड न्यूज है ओडिशा एफ सी के लिए, वो है दोस्तों दियागने, जो कि दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है इस मैच पर। मुझे लग रहा है कि उनको फास्ट अंपायर लेना चाहिए, उनको प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए, नेक्स्ट मैच पर वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूँ ओडिशा एफ सी के फैनों के लिए, तो दोस्तों आप लोग उतना ज़्यादा निराश मत होइए, क्योंकि दोस्तों खेल में हार जीत होता है और अपना टीम बहुत ही अच्छा कर रहा है। ओडिशा एफ सी खराब नहीं खेला है इस मैच पे, उनके किस्मत में नहीं था जीत, इसीलिए वो जीत नहीं पाया। और हम उम्मीद करते हैं कि और भी स्ट्रांग और भी ज़्यादा वो चांस क्रिएट करेगा और अच्छी तरीके से मौके को भुनाएगा और अपना जीत हासिल और जरूर करेगा नेक्स्ट मैच पे। ऑल द बेस्ट दोस्तों ओडिशा एफ सी के लिए, और आप लोग भी ऑल द बेस्ट कह दीजिए जितना भी नॉर्थ यूनाइटेड एफ सी का फैन है, क्योंकि दोस्तों ओडिशा एफ सी अच्छा परफॉर्म किया है इस मैच पे। तो यहाँ पर मायूस होने का कोई चीज़ नहीं है, आप सपोर्ट कीजिए अपने टीम को, जरूर वो एक ना एक दिन जीत हासिल करेगा और अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा। परफॉर्म तो अच्छा कर रहा है, लेकिन दोस्तों उनका जो मौका बन रहा था, मौके को भुना नहीं पा रहा था, इसके चलते उनको हार स्वीकार करना पड़ा दोनों मैच पे। तो चलिए देखते हैं कि आगे किस तरह से परफॉर्म करता है। आप लोग आपका जो राय है इस मैच से जुड़े, वो भी कमेंट करके मुझे बता दीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और अपना वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा।